तो कैसे हो भाई लोग, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ये अमेजिंग सा वीडियो कैसे बना सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर एप्लीकेशन की, और अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो, लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपको एकदम ऊपर ही काइन मास्टर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, 100 सेकंड वेट करके डाउनलोड कर लेना। अब हम काइन मास्टर में क्रिएट न्यू पे क्लिक करके 9.16 वाला फ्रेम, ये वाला फ्रेम ऐड कर लेंगे। और ये फ्रेम ऐड करने के बाद सिंपली हमको क्या करना है, मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो मैं मीडिया से अपना एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। आपको भी कुछ इस तरह से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे आ चुका है, सिंपली हम इसको प्ले करते हैं। और ये रहा हमारा हार्ट पीएनजी, हमको चाहिए मतलब यहाँ पे लगाने के लिए कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद। आपको कपड़ा वपड़ा मतलब कोई भी रहेगा किसी भी कलर का वो सब चलेगा, दिक्कत नहीं है। बस आपको ऐसा हाथ आसमान की तरफ रोकना है और पीछे चल के फिर से आगे चल के चले आना है, बस इतना सा काम आपको करना है। अब यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का ये ऐड कर लेता हूँ, आप देख सकते हो ब्लैक कलर का फोटो ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि हमको वीडियो को 15 सेकंड तक रखना है और हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सिर्फ 5 से 6 सेकंड का है। तो वीडियो का ड्यूरेशन 15 सेकंड रखने के लिए हमको ब्लैक कलर का फोटो ऐड करके 15 सेकंड कर लेना है। अब लेयर से मैं यहाँ पे एक हार्ट का पीएनजी ऐड कर रहा हूँ, ये राग गिफ्ट पीएनजी है। तो इसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे मटेरियल का जितना भी मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे वेबसाइट पे, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। अभी हम इसको छोटा करके ऐसा साइड में छिपा देते हैं, एकदम कोने में ले जाके ऊपर के साइड, ये छिप गया। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पे जहाँ से हम अपने हाथ को उठा रहे हैं वहाँ तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने हाथ को उठाए, ये यहाँ तक आने के बाद हमको क्या करना है कि एनिमेशन लगाना है। यही हार्ट वाले पीएनजी पे चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक प्लस का मार्क देंगे, उसके बाद दिल को थोड़ा सा बड़ा करते हुए ऐसा लाकर सेट कर देंगे अपने हाथ पे कुछ ऐसा करके, जैसा आप देख सकते हो, ताकि आपने मतलब दिल उड़ते हुए आया और आपने रोक दिया। कुछ ऐसा सेट करने के बाद यहाँ पे की एनिमेशन करने के बाद ये परफेक्ट हो चुका है, मतलब एकदम बढ़िया सा। हम इसको दे देंगे एक पोजीशन और ये हो गया सेट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो अब इतना ही काम करना था हमारे हार्ट पीएनजी वाले में। अब हमको सिंपली क्या करना है, मतलब ये हमारा पीएनजी वाला काम तो हो गया, अब यहाँ पे हमको एक ब्लैक कलर का पीएनजी लगाना है, मतलब न्यून पीएनजी, हार्ट का दिल का ही न्यून पीएनजी जो कि ब्लैक बैकग्राउंड में रहेगा। उसका भी डाउनलोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना यार। अब चलो हम ऐड कर लेते हैं, इतना तो वीडियो हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ से ऐड करेंगे, लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऐड कर लेंगे, जहाँ से हम मतलब पीछे के साइड चले जाते हैं वहाँ से इसको ऐड करना है। तो ये रहा मतलब हमारा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे छोटा है ना ये, मतलब ये वीडियो के बराबर नहीं है, तो इसको स्पीड वाले ऑप्शन पे जाके थोड़ा सा स्लो मोशन कर देंगे तो ये वीडियो के बराबर हो जाएगा 15 सेकंड का। तो ये अभी 15 सेकंड का हो गया। अभी हमको क्या करना है, सिंपली इसके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाके मल्टीप्लाई नहीं स्क्रीन ब्लेंडिंग करना है। स्क्रीन ब्लेंडिंग कर देंगे तो इसका ब्लैक कलर गायब हो जाएगा, सिर्फ ये हार्ट ही दिखाई देगा, ये जो दिल है। तो अब इसको हम अपने दिल के ऊपर बढ़िया से सेट कर देंगे, ऐसा कुछ सेट कर दिए। अभी हम इसको ऐसा छोड़ देंगे सेट करके, इतना करके हमको इसको छोड़ देना है यहीं पे। अब हमको एक और वीडियो ऐड करना है जो कि ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन का ट्रांजिशन वीडियो है, वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। वो वीडियो भी आप डाउनलोड कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे ये वीडियो हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कुछ नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं ऐड करना है, जहाँ से ये हमने लगाया ना, चलो स्टार्टिंग से ऐड कर लेते हैं, बाद में सेट कर लेंगे। मतलब लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे आके एक वीडियो ऐड करता हूँ मैं, जो कि है वीडियो अपना ये ब्लू और ब्लैक स्क्रीन ट्रांजिशन, ये वीडियो ऐड कर लेना। इसका डाउनलोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सिंपली। तो मैं इसको स्टार्टिंग से ऐड कर रहा हूँ, अभी मैं इसका पोजिशन दूंगा, पहले मैं इसका काम कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मतलब ब्लू कलर हटा देंगे, क्रोमा की पे जाके ब्लू कलर हटा देंगे। इसका ब्लू कलर हटाने के बाद इसको हम यहाँ पे सबसे पहले ये हार्ट से होना चाहिए, मतलब दिल से ये ब्लू कलर हो जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा पोजीशन सेट करने के बाद थोड़ा सा आगे जाके की एनिमेशन लगा देंगे और यहाँ पे एक मार्क देके इसको फुल स्क्रीन जूम कर देंगे। हो गया, मतलब इतना काम हमारा हो चुका है, ये लग चुका है। अब इसको पोजीशन देना है, मतलब वहाँ से पोजीशन हम ये चीज़ वहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए जहाँ से हम पीछे के साइड जाके चल के आते हैं, यहाँ से। मतलब आप देख सकते हो ये इसका पोजीशन जितना बढ़िया रहेगा वीडियो उतना अच्छा बनेगा। तो हल्का सा और हमको पीछे करना पड़ेगा ये, क्योंकि जब हम चल के आ रहे हैं तो अभी ये नहीं आया। ये देखो, ये मतलब ये पोजीशन मेरे को परफेक्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है हाँ बिल्कुल सही पोजीशन है भाई। हमारी बॉडी भी आधी दिखेगी और वो जो बनेगा ब्लैक स्क्रीन वाली बॉडी वो भी दिखेगा। तो इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो को यहीं पे सेव कर देना है, मतलब ये जितना वीडियो था। और हाँ यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, तुम्हारे भाई गई तो चैनल है यार। अभी हम इसको बैक आ जाएंगे, मतलब इतना करने के बाद, और ये ग्रीन स्क्रीन डिलीट कर देंगे। सॉरी, ग्रीन स्क्रीन डिलीट करने से पहले ये जो हमने
मतलब ये ग्रीन स्क्रीन का वीडियो ऐड करा है, इसको डिलीट करेंगे और इसी पोजीशन पे रहेंगे जहाँ पे ये चालू हुआ था, और यहीं पे हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपना क्या करेंगे, ये ब्लैक स्क्रीन का वीडियो ऐड करेंगे। आपको ये चीज़ याद रखना है, जहाँ से आपने ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो लगाया था ये ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसको डिलीट करने से पहले इसका पोजीशन पकड़ लेना, जैसे मैंने पकड़ा था। अभी ये हो गया, मतलब हमको सिंपली क्या करना है, इसका कैपेसिटी थोड़ा सा लो कर देना है ताकि ये आर पार दिखाई दे। ओपेसिटी पे चल के हल्का सा लो मार देते हैं या आर पार दिखने लगा। अभी इसको जूम करके अपने बॉडी के ऊपर सेट करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अभी थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा और जूम हम इसको कर लेते हैं, और करने के बाद अपना बॉडी के ऊपर ऐसा कुछ इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे बॉडी के ऊपर अपने। हो गया ना सेट बॉडी के ऊपर। अभी सिंपली हमको क्या करना है, ये बॉडी के ऊपर सेट हो चुका है, तो इसका हम कैपेसिटी फिर से पूरा कर देंगे। जो आधा दिखाई दे रहा था आर पार, अब वो नहीं दिखाई देगा, अब ये पूरा ही दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमारा जो दिल है ये न्यून वाला, ये नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके बराबर कर देंगे, जो ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो इसके बराबर कर देंगे, और इसी पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, और ये हो गया, सो होने लगेगा हमारा, ऊपर आ जाएगा। अब की एनिमेशन लगाएंगे, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे एक प्लस का मार्क दे देंगे यहाँ पे। अब हम आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद चांद पे इसको थोड़ा सा और आगे जाके चांद पे इसको ले जाके ऐसा करके सेट कर देंगे। दिल आने से पहले, चांद पे एक दिल आने वाला रहता है, वो आने से पहले ही यहाँ पे हम इसको लॉक लगा देते हैं, इस दिल को सीधा करके। ये दिल सीधा हो गया और यहाँ पे लग गया। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे जहाँ से ये दिल आने वाला है, यहीं पे एक दिल आ चुका है। अब यहाँ पे एक प्लस का मार्क देंगे जहाँ पे दिल आ जाता है, और यहाँ पे इस वीडियो को छोटा करके, मतलब ये जो हार्ट वाला पीएनजी है, न्यून पीएनजी, इसको छोटा करके इसी दिल के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट साइज में सेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये सेट हो चुका है भाई, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इसमें की एनिमेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो वीडियो बनाने में आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है। अब ये वीडियो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा आप लोग देख सकते हो। अभी वीडियो हमारा बना नहीं है भाई, मेन पार्ट तो बाकी है यार, मतलब मेन पार्ट तो अभी बाकी है भाई। तो ये वीडियो इतना हमारा कंप्लीट बन चुका है, हमको सिंपली करना कुछ नहीं है। ये जो मतलब ब्लैक स्क्रीन का वीडियो है ना, ये मेरे को लग रहा है ये भी छोटा है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्लो मोशन कर देता हूँ, और ये ब्लैक स्क्रीन का जो वीडियो हमारा दिख रहा है 15 सेकंड का, इसको हल्का सा छोटा कर दूंगा ताकि ये इसके बराबर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, और वहाँ पे वही वीडियो ऐड करेंगे जो अभी हमने ग्रीन कलर का ये ट्रांजिशन और ब्लू कलर का वीडियो ऐड करके यहाँ पे लगाया था, इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे ये वाले वीडियो को। अब उस पॉइंट पे चले जाएंगे जहाँ से ये ग्रीन कलर आना स्टार्ट हो जाता है, ये पॉइंट से, जहाँ पे ग्रीन भी दिखना चाहिए और हमारा पिछला वाला वीडियो भी दिखना चाहिए। अब यहाँ पे आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इस क्रोमा की पे चलेंगे और इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद की कलर को हम ग्रीन सिलेक्ट कर देंगे, और ये हो गया ग्रीन कलर हाइड। अब थोड़ा सा सेटिंग करने के बाद बस वीडियो बन चुका है यार, मतलब कंप्लीट। और हाँ भाई, वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। और आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारा चीज़ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ क्लिक करो और सब कुछ डाउनलोड कर लो। जाओ भाई जल्दी।